दोस्तों, मैं एक बात बोलता रहता हूं कि जो लोग SSB जा रहे हैं, इफ यू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग व्हाट SSB इज लुकिंग फॉर इन अ कैंडिडेट एंड प्रिपेयर ऑन दैट लाइन, इट विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स रादर देन SSB से आपको क्या चाहिए उसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स में उलझ जाना। आफ्टर ऑल, द क्लियरेंस रेट इज सिंपली 3.6। मैं एक बात बोलता हूं, यू कैन नॉट शूट फर्स्ट एंड देन एम, फर्स्ट एम देन शूट। सो सिंस द क्लियरेंस रेट इज सो लो, आई थिंक इट मेक्स अ केस दैट वी क्लियरली अंडरस्टैंड SSB का एक्सपेक्टेशन है क्या हमसे, और हम जो भी तैयारी कर रहे हैं क्या उस तैयारी में हम जो दिशा है उस पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे, कहीं हम कंफर्ट जोन में रह के तैयारी तो नहीं कर रहे। आई थिंक दिस इज अ केस दैट वी मस्ट इंट्रोस्पेक्ट। राइट नाउ मैं कहता रहता हूं कि SSB की तैयारी करना है तो आपको दो सवाल पूछना पड़ेगा अपने आप से। पहला सवाल है, एक कैंडिडेट में SSB देख क्या रहा है? और आपको बड़ा सिंपल, सब सब बोलते हैं हम लोग कि SSB कैंडिडेट के व्यक्तित्व को परख रहा है। क्या कैंडिडेट के व्यक्तित्व में वो गुण है जिसके कारण उसके अंदर एक ऑफिसर बनने का पोटेंशियल दिखता है या नहीं है? सो व्हाट इज बीइंग टेस्टेड इन SSB, इट इज द कैंडिडेट्स पर्सनालिटी, द फोर डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी। सेकेंड है, वो कैसे टेस्ट कर रहे हैं? वो टेस्ट कर रहे हैं 3 SSB के टेस्टिंग टूल्स को यूज करके, मानसा, वाचा, कर्मणा, साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटरव्यू एंड चीटियो। सो दिस इज वेरी क्लियर। सो जो फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज बीइंग टेस्टेड बाय द SSB पर्सनालिटी, उस पे हम ध्यान नहीं दे रहे, एंड दैट्स वेयर आई से कि हम बिना फाउंडेशन बनाए एक बहुत ऊंची बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो गिर जाएगा। दैट्स वाई द क्लियरेंस रेट इज वेरी वेरी लो। एंड सेकेंडली, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ SSB इटसेल्फ इज वेरी डिस्टॉर्टेड। आप सिक्के का एक पहलू देख रहे हो, लेकिन सिक्के का दूसरे पहलू को भी देखना पड़ेगा, तभी आपको एक सही समझ आएगी SSB का रिक्वायरमेंट क्या है। अदरवाइज हम सिक्के का एक पहलू देख के करेंगे तो वो बड़ा सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ SSB हो जाएगा। हमें सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ SSB को ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ SSB में लेकर जाना पड़ेगा। एंड आज इंटरनेट के जमाने में इट इज देयर सो मच ऑफ कंफ्यूजन, एवरीबडी इज देयर विथ अ कैमरा एंड मेकिंग टेलिंग की TAT कैसे लिखना है, बट नोबडी इज टेलिंग द अदर साइड ऑफ द स्टोरी जो कि DIPR ने हम SSS को सिखाया है। दैट इज हाउ टू यूजिंग दोज टेस्टिंग टूल उस कैंडिडेट के व्यक्तित्व को कैसे समझना है। दैट पार्ट आई थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड उसके लिए सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप का मैं एक बड़ा स्टेटमेंट मैं बोलता हूँ, उसका एक टैग लाइन ही है दैट इफ यू कैन मैनेज द वर्ल्ड इन साइड यू, यू कैन मैनेज द वर्ल्ड आउटसाइड यू। अनफॉर्चुनेट टूडे वी आर ट्राइंग टू मैनेज द वर्ल्ड आउटसाइड, नॉट फोकसिंग व्हाट्स हैपनिंग विद इन अस। गंगोत्री को छोड़ दिया, गंगा में उलझे हुए। गंगा इज मानसा वाचा कर्मणा, बट दे आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन दी गंगोत्री। तो मेटाकॉग्निशन एक टॉपिक में लेता हूं, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अपने ही विचारों के बारे में विचार कर पाने की शक्ति, इसे हमें अपने अंदर उत्पन्न करना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाट आई डू इट इन दी प्रोसेस ऑफ FOCP कॉम्पोजिट बैच। नाउ मुझे ये आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ACC 128 का जो फाइनल मेरिट लिस्ट आया, उसमें दो बंदे, देर आर मेनी कैंडिडेट्स हु मेड इट, बट टू पीपल आर नोटवर्दी एंड आई विश टू यू नो मेंशन अबाउट देम। वन इज एयरफोर्स का एक बंदा है, नमन तोमर, हरियाणा का लड़का है, बड़ा साफ सुथरा बंदा है, बट वेन ही केम टू दी नागपुर साहस कैंप में, और जब क्लासेस शुरू हुआ, पहले दिन से ही प्रेशर में था कि अरे सर, मैं तो ये अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इसको बहुत पहले से कर लेता, ये तो अभी लास्ट मोमेंट में, मतलब ही केम वेरी क्लोज टू हिज SSB इंटरव्यू एंड ही वाज वेरी साइलेंट बॉय, ध्यान से सुनता था, समझता था, मेहनत भी करता था, बट एज द क्लासेस पास ही रियलाइज द लॉट ऑफ एरिया दैट ही हैज टू वर्क। सो क्लैरिटी बहुत आ गया था, समय नहीं था, बट वो लड़के के अंदर इनबिल्ट सर्टन गुण थे, क्लैरिटी मिल गया तो उसके ऊपर। तो जाते जाते जब लास्ट कोर्स में खत्म हुआ तो वो बोल के गया, सर ये बहुत लेट हो गया, अगर मैं पहले पता होता तो आई डन इट वेरी वेल। मैंने कहा चलो, अब जो हो गया, यू हैव द एडवांटेज ऑफ क्लैरिटी। सर्विस एंट्री में जो लोग ACC में आते हैं, मोस्ट ऑफ देम विल नॉट हैव क्लैरिटी, तुम्हारे पास वो क्लैरिटी है। एंड जिस गहरी समझ के तुम उसको समझ के तुम जा रहे हो, इवन इफ यू नॉट बीन एबल टू मेक इट और इवन इफ यू नॉट एबल टू ब्रिज द कंप्लीट गैप, दिस क्लैरिटी इटसेल्फ विल गिव यू लॉट ऑफ यू नो क्या बोलते हैं, एफर्ट में अलाइनमेंट। सो गो एंड गिव योर बेस्ट। एंड देन वन डे ही गिव्स मी अ कॉल, सर मैं सेलेक्ट हो गया।
एंड ही वॉज क्वाइट सरप्राइज सर मैं कैसे सेलेक्ट हो गया, क्योंकि मुझे ही पता था कि मैंने बहुत सारी चीजों पे अभी काम कर रहा है। मैंने कहा दैट लेवल ऑफ अवेयरनेस दैट यू हैव गॉट आफ्टर द ट्रेनिंग एट AFOSOP दैट इटसेल्फ गिव्स यू लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी कि मुझे पता है कि मैं अपने आप को जितना आंकता हूं उतना नहीं हूं, एंड दैट अवेयरनेस इटसेल्फ ब्रिंग्स सर्टेन डिग्री ऑफ ह्यूमिलिटी इन योर कंडक्ट। एंड दैट्स व्हाट सर्विस एंट्री में अगर आपका लैंग्वेज स्किल्स अच्छा है और एक सही समझ मिल जाए और आपके अंदर सच बोलने की ताकत है एंड सर्टेन एरियाज दैट व्हेन यू डू इम्प्रूव यू नो योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोपॉलिटिक्स व्हाट्स हैपनिंग अराउंड डिफेंस रिलेटेड नॉलेज ये एंड थोड़ा बहुत बाकी चीजें साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपको करना है, इट इज मच मच इजियर टू क्लियर बिकॉज सर्विस सेंटर में बल्क में द लेवल इज लो। सो नमन तोमर एंड फॉर्चुनेटली ही स्टैंड्स ऑल इंडिया मेरिट 32, कहां वो डर रहा था और 32 ऑल इंडिया मेरिट। नमन तोमर से भी इंटरेस्टिंग एक बंदा है, उसका नाम है हरिकेश यादव, इसका एक वीडियो भी पहले बनाया, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। नाउ ये लड़का जो है जब से ये आर्मी में आया ही हैज बीन एनरोल्ड इन द आर्मी थ्रू स्पोर्ट्स कोटा, और तब से ये आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में है। ये नीरज चोपड़ा के साथ भी यू नो मैगी खाता था, अभी नहीं ओलंपिक्स मेडल मिलने से पहले नीरज चोपड़ा इज ऑल्सो फ्रॉम आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, तो ही इज बीन देयर एंड ही इज ऑल्सो दिस बॉय इटसेल्फ ही हिमसेल्फ इज एन इंटरनेशनल लेवल बॉक्सर। और उसके बीच में पता नहीं इसको कहाँ से ACC लिखने का मन किया, ACC वहां पे बिना किसी ट्रेनिंग के कर लिया एंड देन ही केम टू मी एंड ही केम टू मी और फर्स्ट डे में ही गॉट सो फ्रस्ट्रेटेड, उसे लगा कि मैं इंटरनेशनल लेवल का बॉक्सर हूं तो मेरा तो हो ही जाएगा। बट व्हेन आई शोड हिम कि भैया तुम बॉक्सर बहुत अच्छे हो बट SSB के खेल में तुम बहुत कच्चे हो, सो इनिशियली ही गॉट डिसगस्टेड, ही इवन गॉट एंग्री एट मी, ही डिडंट स्पीक टू मी एनीथिंग, बट ही अपने पापा को बोला, पापा को कर्नल साहब ने तो मेरे को ऐसे ही उड़ा दिया, ऐसे बोला, ये बोला, वो बोला एंड ऑल दैट। एंड द फादर सेड कि तुम बॉक्सिंग के डोमेन में अच्छे हो, SSB का रिक्वायरमेंट अलग है, उसमें अच्छे होने के लिए तुम्हें एक ऐसा ही गुरु चाहिए जो तुम्हें अपनी कमियों को बता पाए। एंड देन ही ज्वाइन माई क्लासेस पुणे में जब था, नागपुर शिफ्ट करने से पहले। सो आफ्टर फिनिशिंग हिज 2 वीक्स का बैच ही कंटिन्यूड कमिंग टू मी फॉर ऑलमोस्ट 4.5 मंथ्स, मतलब 4.5 5 महीने सिंस आई वाज एट पुणे। तो वो प्लेयर था तो अपना गेम वूम खेल के जब सोने का टाइम होता ही यूज टू कम एंड आई हैव सीन दिस बॉय। मुझे मतलब ये सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो तो अलग बात, आई सॉ दैट कमिटमेंट एंड द फोकस कि जब उसे पता चल जाए मेरे अंदर क्या कमी है और उस कमी को कैसे भरना है, ये दोनों चीज बता दो, भरने का वो काम वो करता था। दैट वॉज ट्रमेंडस डिटर्मिनेशन, एक्चुअली वो डिटर्मिनेशन उसके बॉक्सिंग के डोमेन में ऑलरेडी आ रहा है, बट बॉक्सिंग इज अ गेम ऑफ ए नेचर वेयर लॉट ऑफ फिजिकल एग्रेशन इज रिक्वायर्ड, बट ही कुड शिफ्ट दैट डिटर्मिनेशन इन टू हिज इंटेलेक्चुअल डोमेन एंड देन डिड वॉट एवर वॉज एक्सपेक्टेड डू टू एन एक्सटेंड। जब उसका इंटरव्यू हुआ था, यू कैन स्पीक टू हिम एक्चुअली, उसका नंबर इन दोनों को मैं नंबर दे दूंगा, तोमर का भी और नमन तोमर का भी, हरिकेश का भी नंबर दे दूंगा, स्पीक टू हिम स्पेशली सर्विस कैंडिडेट, यू मस्ट स्पीक टू हिम। इंटरव्यू में जब कॉन्फ्रेंस वगैरह सब खत्म हुआ तो उससे कुछ कॉन्फ्रेंस में भी पूछा एंड द इंटरव्यू ऑफिसर ने समथिंग ही आस्क्ड एंड ही गिव अ वेरी ब्यूटीफुल आंसर एंड सर्विस कैंडिडेट है वो। देयर वाज नो नॉट वन प्लेस जहां पे उसको ये बोलना पड़ा इंटरव्यू में या कहीं पे कि सॉरी सर आई डोंट नो, देयर वाज नॉट वन प्लेस वेयर ही हैड टू से सॉरी सर आई डोंट नो, दैट वाज हिज लेवल ऑफ प्रिपरेशन। तो इंटरव्यू ऑफिसर ने मजाक में बोला भैया हरिकेश को छोड़ के भी आए, मतलब इतना जबरदस्त तैयारी सर्विस एंट्री कैंडिडेट से, हिज लैंग्वेज स्किल्स वर नॉट गुड बट ही वर्कड ऑन इट, जैसे बॉक्सिंग में मेहनत करता था वैसे ही। सो एनीवे से भी बात करना एंड ही इज ऑल्सो मेरिटलिस्ट 37, टोटल वैकेंसी 75, नमन तोमर 32 एंड हरिकेश यादव 37, सो बोथ ऑफ देम विल बी गोइंग टू दी एकेडमी IMA में ACC सियाचिन बटालियन इन द मंथ ऑफ दिसंबर, आई थिंक 24th को जा रहे हैं शायद। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ देम टू एंड टू मेनी अदर ACC 129 हु हैव क्लियर्ड विद अस, बट दीज टू आर स्पेशल स्टोरीज दैट आई थॉट आई मस्ट शेयर विद यू एंड ऑल सर्विस कैंडिडेट्स, आई रिक्वेस्ट टू स्पीक टू देम एंड यू विल गेट सम यू नो पर्सपेक्टिव कि करना क्या है, लक्ष्य बनाया है तो लेट्स एम एंड शूट, लेट्स नॉट शूट एंड देन लुक कहाँ एम करना है, वो गलत हो जाएगा। सो इन दोनों कैंडिडेट से बात करो एंड आई एम श्योर दे विल सर्व यू एज एन इंस्पिरेशन टू वर्क हार्ड। थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।